नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, सभी फोर व्हीलर में आपने देखा होगा फ्रंट में हमेशा डिस्क ब्रेक होते हैं और रियर में ड्रम ब्रेक होते हैं। अभी जो गाड़ियां कुछ आ रही हैं, महंगी गाड़ियां, स्पेशली जो SUV वगैरह आ रही हैं या फिर जो सेडान आ रही हैं, उनमें रियर में भी डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलता है। तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक होने का क्या कारण है? फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक कंपनी क्यों देती है, ड्रम ब्रेक क्यों नहीं देती साथ में, या फिर चारों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक क्यों नहीं देती? सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर चारों ही व्हील में कंपनी डिस्क ब्रेक देगी तो जो कॉस्ट है दोस्तों वो बढ़ जाएगी गाड़ी की। अगर यहाँ पर एक बुलेरो की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जी, ये जो आप देख रहे हैं। और अगर अपनी ऑल्टो की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो है डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, तो केवल दोस्तों नैनो एक ऐसी कार थी जिसमें जो है डिस्क ब्रेक नहीं आता था, बट अभी जो है सभी गाड़ियों में डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलते हैं फ्रंट में। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ गाड़ियों में अब रियर में भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, जैसे कि सफारी है तो सफारी में भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, XUV 700 और बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं। अभी रिसेंटली जो मारुति ने ग्रैंड विटारा लॉन्च की है उसमें भी चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक है। तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक देने का कारण क्या है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि जब हम गाड़ी को चला रहे होते हैं और गाड़ी स्पीड में होती है, उस दौरान जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी का पूरा वेट अगले व्हील्स पर आ जाते हैं, यानी गाड़ी चलते हुए इस तरह से झुकती है, आप देख पा रहे हो इस तरह से झुकती है। तो आगे वाले जो व्हील्स होते हैं उनमें ब्रेकिंग अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली गाड़ी में जो है जब बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं तब ये चीज़ होती है कि जैसे ही आप हाई स्पीड में ब्रेकिंग करते हैं तो पूरा जो वेट होता है गाड़ी का वो अगले व्हील्स पर आता है, इसीलिए अगले ब्रेक में अच्छे से ब्रेकिंग हो इसलिए फ्रंट में जो है डिस्क ब्रेक दी जाती है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी फ्रंट में डिस्क ब्रेक होने के क्या कारण है। रियर में कंपनियां देती हैं बट उससे ओवरऑल देखा जाए तो कॉस्ट बढ़ जाती है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।